दो अहम बातें हैं दोनों चीजें जुड़ी हुई है जो हमें करना चाहिए मेरे भाई मेरी बहने जिनका इंतकाल हुआ अगर उनसे आपने कोई भी अच्छी चीज सीखी है कोई भी अच्छी तो मैं आपको एक बहुत प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं यह हदीस सुनाने सुना रबाजा में सही सनत से मनसन्ना सुनता हसना जो कोई एक अच्छा काम शुरू करता है उसे उसका अजर भी मिलेगा जो कोई उसे देखकर वो काम करेगा उनका अजर भी उसे मिलेगा और उनके अज्र में कमी भी नहीं की जाएगी मतलब क्या अगर कोई चीज है जो आपने उनसे सीखा उसको जरूर जारी रखिए कोई ऐसी चीज है जो उन्होंने शुरू किया अब वो आपके हाथ में है तो उसे जारी रखिए मिसाल के तौर पर अगर किसी के वालिद ने कोई काम शुरू किया और शुरू करने के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो हम उस बेटे से कहते हैं कि कोई नेक काम आपके वालिद ने शुरू किया है ना उस काम को जारी रखिए क्यों पता है आपको आपके वालिद साहब ने शुरू किया आपके वाल साहब को उस चीज का अजर मिलता रहेगा तब तक जब तक वो चीज जारी रहेगी तो मान लीजिए अगर आप जिंदगी भर जारी रखते हैं बाद में आपका बच्चा भी जारी रखता है तो आपके साहब का अजर जारी है लेकिन अगर आप वो चीज रोक देते हैं और दूसरा ही काम करते हैं मैं ये काम करूंगा मैं वो नहीं करूंगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा करूंगा वो तो बच्चे तो सदकाए जारी होते हैं मां बाप के लिए इसमें कोई शक नहीं जो नीक औलाद है वो नीक औलाद जो नीक काम करते हैं वो नीक काम सदका जारिया तो है इसमें कोई शक नहीं लेकिन ख़ुसूसी फजीलत तो उस काम की मिलती है जो जारी रहे और जारी रहने वाला काम जारी रहेगा तो सदका जारिया बनता है लेकिन इसके ऑपोजिट भी चीज मिलती है अल्लाह के रसूल ने फरमा सुन्नता सैया जो कोई बुरा काम शुरू करेगा उसे उसका गुनाह भी मिलेगा जो कोई उसे देखकर वो काम करेगा उनका गुना भी उसे मिलेगा और उनका गुना कम भी नहीं किया जाएगा मेरे भाई मेरी बहने कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी मरने वाले ने आपको कोई बुरी चीज सिखाई है मिसाल के तौर पर माँ बाप का इंतकाल हुआ माँ बाप ने बच्चों को सिखाया था सैटरडे रात बैठकर फिल्म देखना आप रात में बैठकर फिल्म देखते थे और फिर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो वो माँ बाप को खुद की देखी हुई फिल्मों का गुना तो मिलेगा लेकिन उनके मरने के बाद उनके बच्चे जो जो फिल्में देख रहे हैं और जब तक वो देख रहे हैं और जब तक वो सिस्टम जारी रहता है जब तक वो गुनाह का काम जारी रहता है वो गुनाह की सजा भी उन्हें मिलती है और वो उनके खाते में ऐड होती जाती है गुनाहे जारी है बोलने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज है जो गुना का काम है और हम सबको पता है ना निकी क्या है गुना क्या है कोई गुनाह का काम है जो आपने मरने वाले की तरफ से सीखा है ना किसी को बताने की जरूरत नहीं है कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है चुपचाप उस काम को रोक दीजिए उस काम को बंद करिए क्यों क्योंकि यहां पर उनका वो गुना जो गुनाह जारिया है जिसका खाता ऑन है जिसका मीटर डाउन है जो गुना मिल रहा है उन्हें हालत बरसक में जो हालत बरज में उनके लिए गुनाह है वो बोझ है और ये चीज जो उनके सामने आ रही है आज वो चीज़ रुक जाएगी ना देखिए हमें रोक देना चाहिए कोई चीज़ है ना तो हमारी ईमानदारी अल्लाह की तरफ है और अल्लाह है जिसके पास वो लौटे हैं अल्लाह के पास से हम आए अल्लाह के पास वापस जाएंगे तो हमें वो चीज़ को रोक देना चाहिए तो बैठ के सोचो कोई गलत चीज़ आपने सीखी है तो तबा करो अल्लाह से माफ़ी मांगो अल्लाह से और रोक दो उस चीज को अल्लाह के लिए रहम करो रहम करो अपने ऊपर और मरने वाले पर और ऐसे काम मत करो जारी मत रखो उस गुना को उसमें हर मत मत करो उसमें दिल को के अंदर वो लगाओ को दूर करो भाई दिल में जब गम होता है ना आदमी वो गम को सही डायरेक्शन में लगा देना तो कितने सारे जिंदगी में सुधार आ सकता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करे